नाम है डॉक्टर तो पृथ्वी नामक प्लैनेट पर अगर तुम रह रहे हो तो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन आर नॉट गोइंग टू चेंज। तुम कितनी भी अपनी आयुर्वेदा या पुराने जमाने के थॉट्स लेके आ जाओ बंबल टेंडर पे लोग क्यों जाते हैं कोई शादी करने नहीं जा रहा मैं तो बोल रहा हूं शादी डॉट कॉम पे भी शादी करने नहीं जा रहे लोग हाँ। तो बंबल टेंडर तो इस, न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल मीडिया स्पेसेस में इंडिया में जिसकी इतनी खिल्ली बढ़ाई जाती है इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है इसमें एक पिंच ऑफ फियर मोंगरिंग एक पिंच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन सब डाला जाता है और आज ये चीज वंस इन फॉर ऑल सॉर्ट करने सुशी टॉक्स लेके आए हैं वन ऑफ इंडिया मोस्ट लाइक फेवरेट न्यूट्रिशन कोचेज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गाय

सबको बतानी है लाइक like, उमेश सर को आप लोग वैसे ही जानते हो गए एज अ यूट्यूबर बहुत बड़े बट hmm. इनकी जो चीज सबसे सब ज्यादा जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा लाइक रिलेट कर पाया रिलेट hmm. नहीं कर पाया हूँ मतलब लाइक like, मेरी फट गई जब मैंने मेरे को पता चला यू हैव लिव्ड इन अ कार इन यूके यस यस आई हैव हाउ वाज इट इट वाज क्रेजी मैन बट फॉर फर्स्ट वीक और सो उसके बाद इट वाज Um, काफी मिनिमलिस्ट बिकॉजन पॉइंट इन योर लाइफ तुम मिनिमलिस्ट अप्रोच लेना चाहते हो सोता था uh. रात को 11 बजे सो जाओ 5 बजे उठो वही जिम है भाई लिटरली like, उठे तुम जिम वहां पे uh. तुम तो तो जिम गए डेढ़ घंटे का वर्कआउट किया जिम में प्रॉपर शावर वावर सब है uh. लॉकर रूम है तुम शावर करके वहां से निकलो पास में था सेन्सबरीस जो यूके का बहुत ही पॉपुलर सुपरमार्केट है वहां पे उनका ब्यूटीफुल बेगल ब्रेकफास्ट मिलता था अच्छी डील्स के साथ तो वहां से ब्रेकफास्ट करो एंड देन अपने काम पे जाओ क्या ही चीज क्यों बीच के जो है दलाल टाइम वाले वो क्यों हमें बीच <laughs> में रखना है कि बस में बैठो ये करो वो करो इट वाज जस्ट इट वाज सो स्मूथ आफ्टर दैट एंड आप उस पॉइंट तक पहुंचे कैसे थे एंड हाउ डिड दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस शेप यू एज अ पर्सन वेरी सीरियस लिव इन रिलेशनशिप एट दैट टाइम एंड मेरी बहुत ही गंदी वाली वाट लगी हुई थी बिकॉज ऑफ दैट पार्ट एंड गर्ल वॉज नॉट लेटिंग हाँ फिरंगी नहीं थी देसी थी बट ब्रिटिश बॉन्ड थी तो वो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था एंड मेरे पास मुझे चार महीने में इंडिया वापस आना था ठीक है तो सोच तेरे पास चार महीने हैं और

2008-09 में जब मैं यूके जा रहा था तब कमीने yeah. if, if yeah. Yeah, yeah. तो शाहिद कपूर की ने मूवी रिलीज हुई थी वाली इफ यू बॉडी तो जब मैं यूके पहुंचा तो मेरा जो फ्लैटमेट था अर्जुन fitness, तो उसने मुझे बोला चल जिम जाते है मेरे दिमाग में शाहिद कपूर का वो सीन था तो या yeah, वहां से एक्चुअल मेरा फिटनेस जर्नी शुरू हुआ टू बी रियली ऑनेस्ट तो आई हैव शाइड टू थैंक टू फॉर माय करियर एट द मोमेंट बट उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जहां पे मैंने ये करियर को एज अ एज अ करियर पाथ चूज किया विल टॉक अबाउट इट एज एज वी गो अलोंग एंड न्यूट्रिशन की तरफ हाउ डिड यू लाइक बिकम पैशनेट बिकॉज़ लाइक जब लोग ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं <coughs> uh, इस स्पेस <coughs> में दे टेक दैट एक्सरसाइज अप्रोच दे लाइक

Uh, मेरा कोई इंटरनेशनल को कि मैं, एक्सपोजर किया हुआ है तो पीपल गेट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एज ए ह्यूमन वेल वो यूके जाने के बाद हुआ है तो यूके जाने से पहले माई माइंड वॉज वेरी नैरो आई वॉज वेरी ब्लैंकेटी इन टर्म्स ऑफ बिलीव के सारे ये रिलीजन के लोग खराब होते हैं सारे ये अच्छे होते हैं पाकिस्तानी सब बुरे होते हैं गोरे लोग सब सेक्स के लिए रेडी होते हैं ब्लैंकेट द्लैंकेट आई यूज टू बीट का यू के एंड आई एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स एंड ऑल तो मुझे पता चला कि यार ब्लैंकेट स्टेटमेंट हर जगह पे काम नहीं लग सकते हाँ, है? सकते, हाँ वो लग कह नहीं सकते बिकॉज दिस इंडिविजुअलाइजेशन कम्स इन

another factor was ke i started learning nutrition as a as a life force or a fuel for our body hmm. bhai bahut age ke baad mujhe realize hua ke hum khana kyu khate hain even when i was studying the biochemistry in the third year or second year of our medicine hmm. or nutrition ka jab main padhai kar raha tha oxford mein तभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया था कि हम nutrition मेरे दिमाग में वही था कि nutrition weight loss के लिए muscle building के लिए डिमका फलाना But ज सीरियसली लिस टू दिस कॉन्वर्जेशन आई वॉन्ट यू टू रियलाइज तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी करना है जो कुछ भी थिंक योर एस्पिरेशन तुम पांच साल के जैसे स्कूल में टीचर ने तुम्हें पूछा था कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है hmm. तुम्हें अभी भी वो बनना है यू हैव ओनली वन लाइफ अनलेस यू आर प्लानिंग टू री इनकारनेट राइट यू हैव वन लाइफ एंड वो एवर यू डू यू हैव टू डू इट यूजिंग योर बॉडी एंड इफ योर बॉडी वॉज अ कार योर फूड इज अ फ्यूल एंड योअर बॉडी इज गोइंग टू रन एफिशियंटली और एज एफिशियंटली एज गुड

अब जिस पर्टिकुलर ब्रांड का पेट्रोल है या डीजल है वो मैटर नहीं करता है ठीक है एंड ऐसी जो बनाना जिससे लोगों हाँ, को समझ आए ठीक हाँ, है और हाँ. मैं तो डांट देता था मैं तो गालियां मैं अपने फॉलोअर्स को तो मैं उनको सुनाता हूँ कि और मैं ज्यादातर लाइक like, मेरे कैरेक्टर बनाया हुआ सुहानी

जो हेल्थियर साइड है जिसमें आप पतले हो आप ओबीस नहीं हो आपको insulin resistance नहीं है आपके वाले सारे biomarkers नहीं, है, नहीं and हाँ। आपकी cardiovascular efficiency है, है, आप भी भी आपका यू आर मोर वाइटल एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इंडिविजुअल ठीक है also, better, हुँ। हुँ। तो आ, उमेश भाई आप मेरे को एक चीज बताइए कि न्यूट्रिशन होता क्या है जो भी ये बंदा देख रहा है ये पॉडकास्ट हाँ, उसको समझाओ ये हाँ. न्यूट्रिशन के बारे में हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं ओके आई थिंक उसका ब्रीफ हमने थोड़ी देर पहले दिया था कि न्यूट्रिशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें बचपन से न्यूट्रिशन का नैरेटिव ही गलत पढ़ाया गया इफ यू इफ यू नोटिस इफ यू थिंक अबाउट इट के बचपन से हमें एक ही नैरेटिव दिया गया है कि क्या नहीं करना है तलावा नहीं खाना मीठा नहीं खाना बार का नहीं खाना पकौड़े नहीं खाना आइसक्रीम नहीं खाना चॉकलेट नहीं खाना ये नहीं करना वो नहीं करना रात के के खाना नहीं खाना चावल डेयरी बंद कर दो, कर दो. क्या नहीं करना है बैलेंस hmm. डाइट so तो बैलेंस डाइट का ये मतलब नहीं है कि हफ्ते में चार दिन घर का खाया है और तीन दिन बाहर का बैलेंस करके खा रहे इट इज नॉट बैलेंस 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 का मतलब है कि तुम तुम्हारे प्लेट में देर इज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग दैट योर बॉडी नीड्स तो जो अपना कार का एनालॉजी था आई कंटिन्यू विद इट एंड इट्स एज सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इफ यू आर इन टू यू आर नॉट इन टू अंडरस्टैंड कार को छह चीजें चाहिए चलाने के लिए राइट फिजिकल ऊर्जा पुर्जा पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी ऑयलिंग फॉर द इंजन नट्स एंड बोल्स टू कीप एवरीथिंग एंड अ कुलंट सो दैट द इंजन डज गेट ओवर हीट

है ना तो के वट इज इम्बैलेंस इम्बेलेंस है इनमें से छह चीजों में से कोई भी चीज मिसिंग हो रही है एक सिंगल फूड आइटम हेल्दी और अनहेल्दी नहीं होगा है yeah. ना तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस लाइफ सो इजी अब तुम अपने आप से करो, तुम के आ जाओ, हमारे दादा दादी फलाना आज नहीं पांच साल के बाद तुम्हें करना तो यही है फिर तुम मुझे पे करो रैन फर्नांडिस को पे करो या लूक कटिनो को जाके दो तीन लाख पे करो करना यही है तुम लोगों को है ना सो दिस इज वॉट न्यूट्रिशन एंड

Uh, अभी कुछ तो त्रिपाठी का किसी का तो कुछ चल रहा है अभी बहुत सुना है मैंने पुणे में बट एनी सो फैट डायट्स जहां पे मैंने ये छोक छे components की बात की उनमें से कोई मेजर कॉम्पोनेट इज कम्प्लीटली मोर कॉम्पोनेट्स आर एलिनेटेड तुम्हें एक्सट्रीम कैलरी डिफिसिट पर डाला जा रहा है जिसकी वजह से तुम्हें इमीजिएट रिजल्ट मिल रहे हैंबल फोर यू विच इज

ठीक है बट वो खाना अगर तुम्हारे कल्चर में तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स में नहीं बैठ रहा है इफ इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर यू वो कितना भी अच्छा रिजल्ट देगा ना तुम्हें तुम्हारा वो रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं होने वाला है दैट्स द रीजन वाई दैट कम्स अंडर अ फैट डाइट एंड दैट्स यू शुड सीक फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट्स आजकल बहुत ट्रेंड आ रहा है कि पीपल आर हॉपिंग ऑन टू द कार्निवो डाइट एंड एक इंडिया जैसी स्पेस में जहां पर लाइक like, वेजिटेरियनिज्म इतना कॉमन है अगर ही, किसी ही, को कार्निवो डाइट लाइक करनी है एंड लाइक वो रेड मीट जैसे कि लाइक बीफ का इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है न्यूट्रिशनल वैल्यूज न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट देखते एक बार स्पिरिचुअल कल्चरल हटाते हैं हाँ, हाँ, हाँ। बीफ के अंदर भाई है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है hmm. अच्छे सैचुरेटेड फैट्स है उसके अंदर एंड मतलब अच्छा सोर्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये प्रोटीन है हम्म hmm. तो एक इंडियन बंदे को लाइक इज इट वर्थ इट टू ट्राई बीफ एंड गेट इनटू दैट डाइट एंड अपनी रिलीजन से हट जाना चाहिए जस्ट फॉर सम गेन्स व्हाट डू यू थिंक एंड अगर उसको सस्टेनेबली कार्निवोर अप्रोच लेना तो इंडिया में कैसे ले वो बंदा पर मैं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम्हें क्यों लेना है Because, uh, carnivore की, जब हम बात तो तुम थोड़ा ऐड कर रहे हो hmm. तो यू आर स्टिल मिसिंग आउट ऑन फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन ना तुम फाइबर नहीं ले रहे हो तुम्हारे गट हेल्थ की वाट लगी hmm. है एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स जो तुम्हें वेज और फ्रूट्स वीगन एंड वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड डाइट्स में भी जो एनिमल सोर्स ऑफ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट सो गोइंग वन और दी अदर वे गोइंग ब्लैक और व्हाइट इज गोइंग टू कम विद्सिक्वेंसेज सो वर एवर यू चूज

And मेरे मैं एक आपको दे रहा कि मेरे को तीन महीने में करना है या महीने में करना है sure. Sure. ऐसे का का आप इन clients का आप इन तो कैसे करते हो like, उनको समझाते कैसे हो कि दिस इज नॉट लाइक थ्री मंथ फोर मंथ पर्टिकुलर थिंग लाइफ स्टाइल अप्रोच हाउ डू यू मोटिवेट योर क्लाइंट्स यार मैं सिंपल फंडे से उनको समझाता हूँ कि एक सिंपल सिली एनालॉजी है फॉर एग्जाम्पल यू आर अ क्लाइंट विद नाइनटी किलो ऑफ वेट राइट एंड तुझे अभी तीन महीने में बीस किलो कम करना है विच इज एन एवरेज ऑफ सेवन के जी अ मंथ रफली राइट तो मैं तुझे बोलूंगा कि यार सुशी तू महीने में चल तीन किलो सात किलो कम करने का मैं तुझे प्लान दे रहा हूँ ठीक है बट ट्वेल्व इंटू सेवन इज एटी फोर एक साल के बाद तू छह किलो का रह जाएगा बिकॉज तू 90 के का है मैं सात किलो के एवरेज से चलाऊंगा तो तू तो 84 किलो कम हो जाएगा वेट लॉस डी वे देर वर सर्टेन है ना ये सेट ऑफ से तेरा वजन बढ़ा है योर गोल शुडन बी टू लूज वेट योर गोल शुड बी टू चेंज दिस है आप नीचे आएगा इट विल बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ यू कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर

देख, बहुत सारे मैंने इन्फ्लुस को देखा है कोचेस को देखा है वो बहुत महान आत्मा बनने की ट्राई करते हैं इंटरनेट पे राइट कि हमने कुछ कभी गलत किया ही नहीं एंड मुझे छीन वो, वो like, रहा है तो मैं हमेशा मेरे, मेरे flaws जो है न, मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ ठीक है तो दो हजार ग्यारह में विन आई वो इन दूके आई वॉज अ प्रॉपर स्टोनर एंड इफ यू आर फमिलियर विदिया मैरोना तो मैंने जब मैरोना फूकना शुरू किया था तो मुझे यहाँ पे बहुत कम एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अभी हमारे पास टाइम टॉक अबाउट माई एडुकेशन इज विल उस टाइम आई वॉज गोइंग थ्रू शिट लोडियल स्ट्रेस तो वो एक पैटर्न बन गया अभी लॉजिकली मुझे पता है कि कैलोरी डेफिजिट में रहना है मसल बिल्डिंग करना है ये वो। कि मुझे marijuana पे solace मिल रहा था। marijuana का after effect था का में भाई जो जो bedside table होता है ना देन एम्स ले ले, तू कैडबरी डेरी मिल्क के जो फ्रूट एंड नट के बार्स एस छोटे वाले नहीं ऐसे ऐसे तो बड़े आले, वाले आले। तो एंड तो अभी वेट गेन मेरा क्यों हुआ वेट गेन मेरा आई डोंट थिंक मेरे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ या मुझे पता नहीं था कि हेल्दी ईटिंग क्या करना है उसकी वजह से हुआ है ना yeah. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू सम अदर इन लाइफ एंड हमें पता है हमारे ब्रेन को पता है कि दिएस्ट वे टू रीच आउट इज फूड बिकॉज फूड इज द इजिएस्ट वे फॉर कंफर्ट अदर इज सेक्स बट जोमेटो स्विग्गी बंबल इज गेटिंग इन टू दैट टेरिटरी पिछले हफ्ते बंबल इज इंट्रोड्यूस दैट एडवांस फिल्टर विच इज इंटीमेसी विदाउट कमिटमेंट वैट You choose that that filter filter and people with with will be casual अच्छा, uh, casual हाँ. basically junk food. हाँ, junk food। food <laughs> consent, beautiful। I was like yeah, it's, because लोग क्यों जाते हैं कोई शादी करने नहीं जा रहा हाँ. मैं तो बोल रहा हूँ शादी डॉट कॉम पे भी शादी करने नहीं जा रहे लोग हाँ. तो बम्बल टेंडर तो इसलिए इस वो कम्युनिकेशन क्लियर हो गया ना कि हाँ मैं भी इसलिए तू भी यहाँ पे लेट्स गेट टू द्वार

ठीक है तो माय माय होल प्रैक्टिस माय वर्क कल्चर मेरी जो उन्नीस लोगों की टीम है हमारा कल्चर हमारा कंटेंट एवरीवेयर विल सी द इज एम्पथी तो हमने एम्पथी के लेंस को इतना एम्पलीफाई किया हुआ है कि नथिंग एल्स कम इन बिटवीन मी एंड माय क्लाइंट तो हमारा हमारा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट फ्रॉम

यहां पे हम और लेयर्स में जा ही नहीं रहे कि उसको शादी करनी है कि नहीं करनी है उसको लड़के से ही शादी करनी है कि नहीं करनी है उसको कोई पसंद है वो तो चॉइस की बात ही नहीं आ रहा है वहां पे सीधा थोपा गया है उनको वो डिसीजन राइट एंड देन सेकंड कम्स सोसाइटी का जजमेंट कि मैं मैं काम पे जाती हूं तो लोग लो मुझे अजीब तरीके से देखते हैं मैं कपड़े सही से, से पहन नहीं पाती हूँ तो दीज आर द रीजन कम सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्सन द सेम थिंग यार यहां पे हम कर क्या रहे हैं हम हमारी हैप्पीनेस को दूसरों के हाथों में डाल रहे हैं

हाँ हाँ ए, एक मिनट आई थिंक मेरा कैमरा uh, camera... हाँ हाँ मैं बैक या यू बैक सो वील जस्ट गो लाइक टेन सेकेंड्स पहले हाँ तो ऐसा वो सेइंग कि इंस्टेड ऑफ योर लेंस शुड बी समवेर एल्स योर लेंस शुड बी के अगर तुमने वजन नहीं कम किया नॉट ऑन द स्केल वजन कम नहीं किया तो हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं हेल्थ रिलेटेड एंड जो तुम्हारे पास एक लाइफ है जो तुम्हारे एस्पिरेशन है वो सब अधूरे रह जाएंगे और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और हाइपर टेंशन वगैरह है ना विच कैन कम इन द लेटर तो आई ट्राई टू हैजेशन मेरा हमेशा मेरे क्लाइंट को होता है कि तुम्हारे घर में अगर किचन वेइंग स्केल है तो उसको फेंक दो तो पहले hmm.

मैं उनको बोलता हूँ हम, हम लॉस पे काम ही नहीं कर रहे हैं योर okay. जो हमें देख भी रहे जिनको वो लगता है कि उनको वेट लॉस करना है तुम लोगों ने वेट लॉस कर लिया एक दो बार नहीं पांच बार कर लिया है उसको मेंटेन okay. नहीं कर पा रहे हो सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट राइट सो लेट्स आइडेंटिफाइड रीजन एंड फाइंड सोल्यूशन अकॉर्डिंगली बेसिकलीट

उसके बाद मुझे पता चला कि थिंग दैट इंडियंस आर वेरी स्कर्ड ऑफ इस तुम मेरा कल्चरल छीन लोगे। yeah, yeah, yeah. कुछ Mediterranean diet या किसी चीज़ पर डालोगे। हाँ, कि मुझे ओट्स ब्रोकली खानी पड़ेगी स्वीट पोटैटो खाना पड़ेगा किनुआ। किनुआ खाना पड़ेगा एंड आई वांट टू अश्योर एवरीवन जो हमें देख रहा है कि भाई तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है यू हैव टू यू अ टूल

like for hmm. example like वैसे these are very different things very different hmm. things but 200 gram of paneer will keep me more like you know satiated in comparison to 5 to 6 rotis absolutely okay. and agar oh. aapki like carb heavy hote ho aap to fir like uh, ye wala jo uh, pattern hai ye zyada tar maintained rehta hai to hmm. mujhe ek cheez batao according to you what is the ideal plate how does it look like ideal plate looks like um अबाउट ब्रेकफास्ट टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट इज नो यार इट्स सो फनी ब्रेकफास्ट खाती नहीं हूँ सुबह उठ के सिर्फ चाय के साथ तीन बिस्कुट <laughs> ब्रेकफास्ट तो हो गया। हो गया। <laughs> so, उनको उनके लिए चाय में कैलोरीज है ही नहीं बिस्किट तो एकदम हवा से बने हुए हैं तो ब्रेकफास्ट हो गया सो so, ब्रेकफास्ट एंड uh, उसके बाद ब्रेकफास्ट पार्ट टू में होता है पोहा उपमा इडली वड़ा डोसा <laughs> उत्तपम चीला अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के नाम पे अंडा ऑमलेट के साथ ब्रेड खा लेंगे hmm. कभी पराठा होगा सो दिस इज आर थिंग जी यहाँ पे मैं बोलता हूँ एडुकेशन की जरूरत है अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो भी मैंने डिशेज बोली उसको मैं काब्स या प्रोटीन या फैट कौन सी कैटेगरी में डालू तब तक आप उसको फिक्स नहीं कर पाओगे टेल यू ऑफ योर ब्रेकफास्ट आर ग्रेन बेस्ड And grains come under this category of carbs. I'm not saying carbs are bad, but overconsumption of carbs and carbs consumed in an imbalanced way can create a lot of hassle. And also, I've seen, like, particularly taking carbs early in the morning. वो आपको बिकॉज ऑफ इट्स पोस्ट प्रांडियल स्पाइक्स खाने के बाद जो इंसुलिन की स्पाइक्स आते हैं उसके कारण आपको ब्रेन फॉग एंड वो लिथार्जी होती है एनर्जी तो, हो तो, आप सुबह टाइम पे जब आप जॉब पे जा रहे हो या कोचिंग क्लासेस जा रहे हो स्कूल जा रहे हो यू शुड नॉट कंज्यूम दैट दैट मेनी कार्ब्स अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग टाइमिंग आल्सो टाइमिंग आल्सो मैटर्स एब्सोल्युटली तो तो आपने अगर आप सिर्फ पोहा खा रहे हो ईट पोहा उपमा खा रहे हो ईट उपमा तो मेक श्योर साथ में उसको बैलेंस करने के लिए प्रोटीन्स ले रहे हो इट कुड बी एज सिंपल एज ए बोल ऑफ स्प्राउट्स इट कुड बी एज सिंपल एज कपल ऑफ बॉइल्ड एग्सोर्स द क्वानिटी विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट मैं एडिशन की बात करूं पहले उसको प्लेट पे लेके आओ फिर क्वान्टिफाई कर लेंगे बाद में mm. पहले लेके तो आओ सेम विद दाल चावल सब्जी रोटी हमारा लंच डिनर मोस्टली दाल चावल सब्जी रोटी तो आप जो सब्जी बना रहे हो

प्रोटीन थोड़ा कंपोनेंट मिसिंग है उसको एड करो एंड द सेकंड लेयर वुड बी द क्वान्टिफिकेशन पार्ट बट पहले प्लेट बनाना हम सीखते हैं hmm. okay. and, uh, may... लाइक मैं खुद ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज कर चुका हूँ जैसे रायता hmm. बनाना है तो लाइक like, ग्रीक योगर्ट का लाइक like, ग्रीक योगर्ट इज वेरी हाई इन प्रोटीन सो आप उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड यू कैन पुट लाइक राइस के अंदर यू कैन पुट सोया चंक्स एंड एवरीथिंग थिंग लाइक जो आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स ले रहे हो उसमें hmm. भी प्रोटीन हो दाल की क्वांटिटी बढ़ा दो चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो hmm. दाल hmm. आप hmm. दो कप्स ले लो hmm. And uh, yeah, this makes sense. And ये ही हम चावल खा सकते हैं क्या बात कर रहे हो आलू आलू का पराठा में अगर कभी किसी को लिखते देता हूँ उनको तो भाई और गैज आ जाता है शुट मैन ये ऐसा डायटिशियन है जो हमें आलू पराठा लिख के दे रहा है बट

लेट्स गेट इन टू द स्पेसिफिक्स ठीक है सो so, अभी तक हम जितनी भी बात करें थे इट वॉज रिगार्डिंग फॉर पीपल हु वॉन्ट टू लूज वेट और

तो ये ड्रिंक आप सिनेमन वॉटर हर रोज सुबह पियोगे तो आपका पीसीओएस चला जाएगा यहां oh. डेयरी खाना बंद कर दो यहां शुगर की जगह पे जैगरी लेना शुरू करो तो आपका पीसीओएस चला जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हो टू स्टॉप बिलिविंग ऑल दिस क्रैप यू बिकॉज पीसीओ कोई एक चीज से हुआ नहीं है तो वो एक चीज से जाएगा भी नहीं तो यू हो टू अंडरस्टैंड दैट सेकेंड अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू प्रमोट पीसीओ मैनेजमेंट विदाउट पिल्स देर इज अ थॉट इज वेरी गुड तुम लाइफ स्टाइल चेंज करो लाइफ स्टाइल कंडीशन में आता है बट इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट पीसीओज में बहुत बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगती है जिसके लिए आपको पिल्स पे डिपेंड रहना पड़ सकता है hmm. ऐसा नहीं है कि आपने डायटिशियन को कंसल्ट किया और दूसरे दिन से आपका पीसीओज ठीक होना शुरू हो जाएगा या आपका लाइफ दूसरे दिन से चेंज हो जाएगा यू माइट नीड मेडिकल सपोर्ट और मेडिसिनल सपोर्ट इन द इनिशियल फेजेज वाइल यू आर चेंजिंग योर लाइफ ठीक है तो लाइफ स्टाइल चेंज तो करना ही करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है बट अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तीन छह महीने से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप नेचुरल नेचुरल के चक्कर में मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन तो यू हैव टू You have to see both the sides of it you can't be like natural, natural jana hai. Pills nahi lene, dimka you have to look at the ideal line of treatment the ideal line of treatment is be in a regular touch with the gynecologist get your usg and blood work done on a regular basis seek medical medicinal support where needed and start working on your lifestyle and when we talk about lifestyle nothing specific or fancy works you have to first come to the fundamentals Tum, शुगर फ्री लेना शुरू करोगे डेयरी छोड़ोगे ये वो वही ऊपर ऊपर की चीजें hmm. पहले फंडामेंटल्स फिक्स करो फॉर योर राइट हॉर्मोन्स यू नीड राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड आइडियल फैट इनटेक तुम्हें शुगर को क्वांटिफाई करके मॉडरेट करना पड़ेगा सो देट योर इंसुलिन इज मैनेज बेटर यू हैव टू एड मोर फाइबर टू योर डाइट यू हैव टू मूव वर्कआउट के बगैर तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंस सही से मैनेज नहीं होगा अगर तुम्हारा स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन यू हर टू स्टार्ट मैनेजिंग योर स्ट्रेस इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल यू हर टू रेगुलेट योर स्लीप

यू you नो know, तुझे कबूतर वाला एनालॉजी पता है कि एक झुंड कबूतर था हाँ। जो ऐसे ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में ऐसे दाने खा रहे थे अमरीशपुरी उनको आवा कर रहा था वहां पे एंड वहां के किसी ने बंदूक चलाया सारे कबूतर उड़ गए एक कबूतर आंखें बंद करके बैठा रहा हाँ। उसको लगा मैं आंखें बंद कर दूंगा तो मुझे वो शूटर दिखेगा नहीं हाँ। एंड मैं बच जाऊंगा हाँ। मुझे ऐसा लगता है इंडियंस जिनको भी डायबिटीज है उनको पता है कि शूटर क्या है खतरा क्या है बट वी आर जस्ट आंखें बंद करके बैठे हैं या ब्रशिंग इट अंडर द कापेट तो डायबिटीज इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज पीपल अगेन आर मेकिंग इट के शुगर बंद तो कर दो पीपल uh, तुम्हें शुगर बंद करनी पड़ेगी ना इफ दैट इज योर थॉट देन यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग इन योर प्लेट राइस रोटी उपमा पोहा वड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स जैगरी हनी जिसको भी तुम हेल्दी मान के बैठे हो मिलट जवर रागी बाजरा बिकॉज यूर बॉडी डीज डिफरेंट आइटम्स तुम्हारी बॉडी ग्लूकोज फ्रक्टोज एमाइनो एसिड फैटी एसिड ये समझती है hmm. उसका स्पीड अलग अलग होता है hmm. तो तुम स्पीड मैनेज कर सकते हो बट यू कैन एलिमिनेट द होल थिंग है ना तो डायबिटीज का भी अगेन जब मेरे पास कोई केस आता है तो मैं उनको बोलता हूँ बी इन अ रेगुलर टच विध एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमें हर तीन महीने में एच बी एव सी चेक कराना है हमें रेगुलरली हमारे रैंडम ब्लड शुगर भी चेक करने आफ्टर डिफरेंट मील्स मैनेजिंग लाइफ स्टाइल टाइप वन है तो आपको इंसुलिन या मेडिसिन पे थ्रू आउट योर लाइफ रहना पड़ सकता है hmm. टाइप टू है हम एच बी एव एनसी को नीचे लाके मेडिसिन चेंज कर बंद yeah. कर सकते हैं इट्स पॉसिबल बट फंडामेंटल्स पे ही वापस आना पड़ेगा यू हैव टू स्टार्ट इटिंग इन अ बैलेंस डाइट मैनेज योर शुगर एंड क्वांटिफाई योर शुगर और कार्ब इनटेक add more fiber more protein and more fats in relation and move manage your stress and sleep well so the very interesting uh, let's get into a uh, fucked up client thoda theek hai ha ah. main ek client hu jo uh, beer peeta roz theek hai, hai? mere ko weight lose karna hai main bahut highly motivated hu mera bhi breakup hua hai and main bahut beer peeta hu aur main ganja bhi marta hu but uh, और मैं main...

तो मुझे अगर तुझे चेंज करना है तो मैं मेरा अल्टीमेट गोल होगा कि मैं मैंने जो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन है वहां पे तुझे लेके आना बट आई कान बी लाइक कल से यही करना है कबीर सीधा ठीक तो और दूसरा क्या है ना मैं मैंने बहुत सारे कोचेस को देखा है वो अननेसेसरी हाई होर्स पे चढ़े बैठे हैं और वहां पे मुझे लगता है कि दे बिकॉज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल जो दारू पी रहा है और मेरा दोस्त है hmm. तो मैं तेरे को इट विल बी यूजलेस फॉर मी टू टेल यू दारू पीना बंद कर ले तेरे लिए खराब है वो बोलेगा hmm. चूती है ठीक है सेम विद गांजा तो हमें पहले तो वो जो ऑब्वियस है ना वो देना बंद करना पड़ेगा hmm. दूसरा आई वुडेंट शेम देम और मेक देम फील गिल्टी अबाउट इट तुझे दारू पीना है तुझे गांजा पीना है लेट्स टॉक अबाउट इट

डॉक्टर सीधा मेडिसिन पे लगाएगा अगर मेडिसिन काम नहीं किया तो इंसुलिन भी आएगा ठीक है वो पूरी जिंदगी चलेगा तो बोलता है कि मैं तेरी जो बातें वो करने के लिए तैयार हो बट एक दो चीजें एक आध बार चाहिए मेरे बारील और तो बोलता है मेरे को चाय नहीं छूटी डन डील भाई साहब उसको मैं साढ़े चार साल हो गए अभी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2020 की राइट अभी वो मेडिसिन नहीं ले रहा है

Uh, आपके लाइक like, हमारे पेरेंट्स लाइक दे आर अप्रोचिंग एन एज ऑफ सिक्सटीज फिफ्टीज इस टाइम पे एंड इन लोगों को लाइक दे आर बोथ बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स एंड ज़्यादातर पेरेंट्स भी लाइक फादर इज वर्किंग मदर भी घर पे बिजी रहती है तो hmm. अगर लेट्स से मी लाइक आई कम टू यू एज अ क्लाइंट एंड आई आस्क देम कि मेरे पेरेंट्स को आप फिटनेस कोचिंग दो एंड लाइक like, hmm. Uh, hmm. एंड दीज आर लाइक यूजली वेरी स्टबन पीपल लाइक आप अगर उनको बताते हो कि ये चीज जो पचास साठ साल से वो खा रहे हैं ये गलत है या ये तरीका गलत है एंड यू आर अंग पर्सन सो हाउ डू यू गो अबाउट दैट काइंडशन आई थिंक यहाँ पे uh, कुछ है जहाँ पे कान को हमें ऐसे पकड़ना पड़ रहा है uh, चीजें वही कर रहे हैं बट इट इज जस्ट इट्स वेरी सिंपल

उनको भी डायबिटीज है ऐसे निकाल hmm. अभी तो मेरे को आखिरी इनिंग में ये सारी चीजें चेंज करने को बोलेगा तो मैं नहीं करने से रहा तो मैं एक गोली खाके खुश हूं ठीक है बट उन्होंने फिर भाई को देखा जो तो भाई ये जो चीजें कर रहे हैं उसके बाद भी उनको सारी चीजें हो रही है तो ही स्टार्टेड अडॉप्टिंग टाइनियर थिंग्स तो उन उन्होंने मेडिसिन अभी भी खा रहे हैं पर उनका मेडिकेशन जो तो हर मील के पहले खाना पड़ता था वो सिर्फ अभी एक मील एक मेडिसिन खा रहे हैं मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन 500 खा रहा है दैट्स इट सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज इज अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन होता क्या है कि तुम विंडोज uh, 98 में आईओएस 17 इंस्टॉल करने की ट्राई करोगे <laughs> जबरदस्ती कुछ नहीं घुसाना है तुम बैठो विंडोज में जो कंपैटिबल है फ्लॉपी डिस्क है तो फ्लॉपी डिस्क लगेगा तुम यू कांट यू कांट मेक देम चेंज ड्रास्टिकली यू हैव टू सिट विद देम एक्सप्लेन इन द वे तो तुझे पता है ब्रो मैंने आ, मैं जब यूके में था मैंने कभी मेरा डॉक्टर टाइटल यूज नहीं किया था। क्योंकि यूके में हायरार्की सिस्टम नहीं है तू डॉक्टर के पास जाएगा भी, तो डॉक्टर को तू नाम से बुला रहा है और हम उनको भगवान का भी दरजा दे देते हैं राइट तो मैंने यही टेक्निक को इंडिया में आने के बाद इंडियंस की साइकी के साथ खेलने में यूज किया मैंने मेरे नाम के आगे वापस से डॉक्टर लगाया अगर न्यूट्रिशनिस्ट इज सजेस्टिंग समथिंग टू पर्सन वो नहीं सुनेंगे बोलेंगे कि ये जमाने का कुछ सो hmm. so, हमें कम्युनिकेशन hmm. चैनल पहले ओपन करना है फिर तुम जो बोलोगे ना वो वो सुनने के लिए तैयार है okay. so,

With rigid people eventually. Hmm. Uh, मैं क्या ही करूंगा थर्टी ईयर ओल्ड के साथ कंडीशनिंग चेंज करके बिकॉज उन्होंने जबरदस्ती करना है जो भी करना है एंड बच्चों के दिमाग में अगर हम नया सॉफ्टवेयर अभी से डाल रहे हैं तो पहले तो वी आर क्रिएटिंग होल जनरेशन ऑफ बेटर हेल्थियर ह्यूमन बींग्स

बच्चों के साथ जाके बात करता हूं और उनको मैं समझाता हूँ ये, ये सकते हो इसके साथ तुम वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसको तुम किसी के सर पे फेंक के मारोगे तो उसका सर भी फूट सकता है. Hmm. है ना इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट सो आई टीच न्यूट्रिशन इज अ टूल नाउ हमारी जनता हमारे बच्चे काफी स्मार्ट हैं उनको पता चलता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे इफ यू टीच बच्चा पार्टी इन इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड एंड जस्ट टीच देम न्यूट्रिशन इज अ टूल दे आर सोर्टेड मैन एंड आई हैव सीन लाइक थ्रू योर कंटेंट दैट यू टेक अ वेरी डिफरेंट अप्रोच लाइक आई हैव सीन पीपल हु आर इन द सेम स्पेस एज यू एंड मी एंड दे ट्राई टू फियर मॉन्गर एक like, पैकेट hmm. uh, uh, दिखा, दिखा दिया टॉकिंग अबाउट फूड फार्मर मतलब हम डरते hmm. थोड़ी हम तो भाई हफशी लोग हैं हम किससे डरना बेसिकली हिज जो इवेंचुअली गोल जो है वो सही है तरीका hmm. थोड़ा वैसा है कि सीड ऑयल्स पाम ऑयल्स माल्टोटेक्सट्रोस प्रेजरवेटिव रेड कलर फूड कलरिंग डाई सो लाइक डू यू है प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच एंड लाइक लाइक इज इट राइट और रॉन्ग यार यार uh, अप्रोच और मैं होता कौन यार? उसको राइट right या बोलने वाला uh, एक तो रील kind of oh. hmm. बनाया था उसके पाम ऑयल वाले रील को रिव्यू करते हुए एंड hmm. उसकी पूरी कम्युनिटी ने आके इतना गाली गलोच किया है मेरे को कमेंट सेक्शन में hmm. हालांकि उन्होंने मेरे लॉजिक को समझने की ट्राई ही नहीं की hmm. मैं वो जो उसका पाम ऑइल वाला पर्टिकुलर वीडियो है उसमें वो भाई साहब बोल रहे है पाम उसके अंदर है 50 okay? तो यहाँ पे उसने पाम ऑयल को जज कौन से बेसिस सैचुरेटेड फैट्स राइट मैंने बोला सैचुरेटेड फैट्स हो तो घी में 65 परसेंट सैचुरेटेड फैट होता है पाम ऑयल में सिर्फ 50 परसेंट फैट होता है सैचुरेटेड तो उस हिसाब से तो फिर घी खराब हुआ अगर तुम लॉजिक लगाओ तो या। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि घी खराब है अच्छा है मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो तो कोई भी एक फूड आइटम आइसोलेशन में अच्छी या बुरी नहीं होती है तुम नॉलेज दे रहे हो तो उसके पीछे का कॉन्सिक्वेंस और उसको यूज करने का तरीका भी बताओ अभी उसने पूरा नया कैंपेन शुरू किया विच इज वेरी ब्यूटिफुल पीआर मार्केटिंग उसने सारे सेलिब्रिटीज को लेकर आया नाच डेली ये वो डिमका फलाना सब आए हुए हैं लेबल पड़ेगा इंडिया मुझे मुझे प्रॉपरली आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस द होल टाइटल इफ ही वाज लॉन्चिंग अ कैंपेन सेइंग के लेबल पढ़ के उसको तुम ऐसे यूज कर सकते हो अमेजिंग अभी तुम सिर्फ ऐसा बोल रहे हो कि अब लेबल पड़ेगा इंडिया उसका मतलब क्या हो रहा है बताया कि पहले तो जज कर रहा है इंडियंस को कि इंडियंस को पढ़ना ही नहीं आता बिकॉज लेबल इज नॉट अ रॉकेट साइंस वन वन सेकंड सेकंड आई थिंक हेलो बैक हां हां लेबल पड़ेगा इंडिया हां लेबल पड़ेगा इंडिया मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम लेबल पढ़ के मैं उसका कर रू क्या वो तुम बता नहीं रहे हो तुम सिर्फ बोल रहे हो कि पढ़ो ठीक है चल चल एक प्रोडक्ट के अंदर पाम ऑयल है मैंने पढ़ लिया अब मैं क्या करूं इस इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आई यू ट्राइंग टू से पाम ऑयल खराब सबके लिए खराब है सारी क्वांटिटी में खराब है uh, तो उस हिसाब से तो फिर घी भी खराब है बिकॉज घी को भी ओवर करूंगा एंड जो लोग आयुर्वेदा के नाम पे ट्रिगर होंगे उनको मैं बता देता हूं कि तुम लोगों ने भी आयुर्वेदा पढ़ा नहीं है इफ यू डिड नो आयुर्वेदा आयुर्वेदा में दर इज इज प्रिंसिपल अति मात्र शन अति मात्र टीचेस यू के एनी ओवर कंजम्पन में आपको मेटाबोलिक है इंक्लूडिंग घी तो अगर आप सिर्फ अच्छा बनने के लिए ये सारी चीजें पो, पोर्ट्रे कर रहे हो तो तेरा जो पर्पज है कंटेंट क्रिएट uh, करने का अवेयरनेस फैलाना लोगों को हेल्दी करना तो हेल्थ में तो मेंटल हेल्थ भी आता है hmm. अगर तू तो फियर के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहा है तो यू आर जस्ट अवॉइडिंग द होल एस्पेक्ट ऑफ ईटिंग डिजॉर्डर्स पीपल गो थ्रू द डिजीजे लाइक ईटिंग बलीमिया है ना तो एनोरेक्सिया

साइकोलॉजी अगर आप देखो एक, एक लाइक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर की इफ यू आर एबल टू टारगेट फियर एंड इफ यू आर एबल टू टारगेटेदर ड्रीम्स आपको सभी फॉलो hmm. करेंगे लोग कितनी भी उसको गालियां देते मैं वो बंदे को एडमायर करता हूँ for his entrepreneurial Bakers, honesty yeah है ना he is like a fucking I am a capitalistic person मैं जो भी content create करता हूँ वो purely views और numbers के लिए होता है और मेरे को पैसा कमाना है my business तुम ऐसे बकचोदी मत चोदो कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ मेरे को बच्चों के लिए कर रहा है ये वो and then you are doing using the typical psychological hacks of selling fear and dream है hmm. ना because तुम fear और dream तो sales techniques हैं तुम fear और dream कहीं पे भी कुछ भी and it works everywhere ये ये ज्योतिष लोग क्या करते हैं तुम ये मांगलिक है इसकी इसके साथ शादी हो जाएगी तो पति फियर आ गया एम लोग क्या कर रहे हैं कि ये है ये देखो ये हमारे डायमंड कपल हैं ये देखो स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उन्होंने हमारी प्रोडक्ट बेची आप भी बेचो आप भी जा सकते हो स्विट्जरलैंड ड्रीम सेल्स टेक्निक तो तुम ऑनेस्टली बोलो ना कि हाँ ये मेरे को ये पॉपुलर होके बड़े, -बड़े जाके करने, मैं कर रहा हूँ तो मजा भी आएगा तुम्हें लोग गालियाँ दिए कमेंट्स में के तुझे क्या पता ये बच्चों को जाके पढ़ाता है इतना सारा चैरिटी करता है मैंने बोला वर्स अगर वो बच्चों को ये चीजें सिखा रहा है तो बिकॉज हाँ। बच्चों के मन में अभी से वो डर डाल रहा है हाँ।

Uh, बस इससे ज्यादा लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती है ठीक है मजा में अगेन इज वेरी सिंपल आई वॉन्ट टू टॉक विद मेनी ह्यूमन बींग्स एज पॉसिबल से उनको बताना है की यार हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है Uh, उससे डरने की भी जरूरत नहीं है फूड से दोस्ती करने की जरूरत है हाँ हमें होल फूड खाना चाहिए हाँ हमें घर का खाना खाना चाहिए बट अगर तुमने ओकेजनली नोटेला लेस पाम ऑयल वाला कुछ खा लिया है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ और ऑफ वर्ल्ड बिकॉज अगर तुम पोटेंशियल कार्सिनोजन या इनकी बात करो तो सनलाइट इज ऑल्सो पोटेंशियल कार्सिनोजन तुम धूप में जाना बंद नहीं करोगे अगर तुम्हें कुछ चीजें बंद करनी है तो तुम अल्कोहल स्मोकिंग इन सबको भी देखो बिकॉज दे आर प्रूवन कार्सिनोजेंट एल्कोहल इन नो अमाउंट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बॉडी तो फंडामेंटल्स क्लियर करो बिफोर यू गेट स्केर ऑफ शेटी थिंग्स दैट अ ऑफ आर ट्राइंग टू स्केर यू ऑफ तो मुझे ये कम्युनिकेट करना है तो जितने भी अलग अलग एवेन्यूज में यूज करके लोगों से वो कम्युनिकेट कर पाऊँ आई विल डू दैट दैट्स द नेक्स्ट फाइव ईयर का प्लान एंड आज वो फाइव ईयर का प्लान मैंने होपफुली अपनी तरफ से छोटा बूस्ट दे दिया हो आपको लाइक दिस वीडियो विल रीच टू एटलीस्ट माई डॉक्टर नेटवर्क एंड वो चीज सॉर्टेड होगी And uh, hopefully you become the face of uh, nutrition in our country because like I really like your approach and like Thank you man. Personally, Thank you. you are doing mm -hmm. God's work. Ko ek achhi like there is one thing common between us. Mm -hmm. dono professionals hai, we kai na kai, subconsciously we are not waiting for the patient to come to our doorsteps. We don't yeah. want people to go to the hospital actually. Hospitals,

इसलिए होता है ये चीज और के यार इट्स नॉट नॉट दैट दैट डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट प्रिवेंशन इज तो हम क्यों उसके बारे में अवेयरनेस नहीं फैला रहे हैं दैट्स व्हाट द फ्रस्ट्रेशन इज व्हाई अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट कमिंग बट इसमें थोड़ा पब्लिक का भी है जो जो, जो लोग हमें सुन रहे हैं मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि यार तुम लोगों को भी शॉर्टकट्स लेना बंद करना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट मोर हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक अस टू बी ऑनेस्ट टू यू

बट मैं 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 बोला ना शुरुआत में भी बोला कि आज समझना तो आज समझो हाँ। पांच साल के बाद समझना तो समझना यही है तुम्हें समझना ही पड़ेगा और हाँ। इसी वीडियो तो नहीं, नहीं ला रहा <laughs> <solutions>. <laughs> <laughs> So today was a wonderful uh, discussion, one of the most uh, like mentally stimulating uh, discussions for myself also. Hmm. And hopefully we can make content offline someday, absolutely face-to-face. Definitely. And uh, thank you guys for tuning in. Sushi Talks will be airing soon. Thank you so much.